हेलो, फार्मेसी नेट पर आपका स्वागत है। एब्लीफाय ये ड्रग हमला है, टैबलेट एब्लीफाय एरिपाइप्राजोल, इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूजेस बताते हैं आपको, इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्रेन डिसऑर्डर में, एंटी साइकोटिक, जिनको दिमागी बीमारियां होती हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, तो भूलने की बीमारी, इस तरह के डिसऑर्डर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे डिप्रेजेंट, ये एंटी डिप्रेशन है, किसी को यदि इरिटेशन होता है, अग्रेसिव नेचर है, तो इस तरह के जो डिसऑर्डर होते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। भूलने की बीमारी, ठीक है, पर ये ज़्यादातर जिन लोगों को साइकोटिक बीमारियाँ होती है भूलने की, उनमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की जाती है। अच्छा, इस मेडिसिन को लेने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। पहला, एलर्जिक कंडीशन अगर किसी को है इस, तो उसे ये टैबलेट ना दें। बीपी हाई या लो है, हार्ट की प्रॉब्लम है, या डायबिटीज़ है, ऐसे लोगों को इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक, अगर आपको इस टैबलेट का इस्तेमाल फिर भी आप कर लेते हैं, तो उसमें इलनेस पैदा हो जाएगी, मेंटल डिसऑर्डर पैदा हो जाएंगे, और सुसाइड करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक, तो अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं। रेगुलरली अगर आप ये टैबलेट लेते हैं और कभी कभी इसका डोज मिस कर दिया जाता है, तो उस टाइम के लिए नेक्स्ट डोज लेने के लिए एक मिनिमम टाइम या एक दिन का टाइम लें, उसके बाद लें डोज। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर आप इसका ओवरडोज ले लेते हैं, ज़्यादा ले लेते हैं, तब क्या होगा। अगर आप इसका ओवरडोज ले लेते हैं तो आपकी हार्ट रेट, हार्ट बीट स्लो हो जाएगी, आपको वोमिटिंग होगी, वीकनेस शो करेंगे, ब्रीथिंग स्लो हो जाएगी, सांस लेने में थोड़ा दिक्कत होगी, और कोमा भी हो सकता है। मेरी मानिए तो इस टैबलेट को अवॉइड कीजिए लेने से। ठीक, और यदि फिर भी आप लेते हैं तो, और इसके साथ अल्कोहल का अगर सेवन करते हैं, आप लेते हैं इसको, तो ये बहुत ख़तरनाक, आपकी डेथ हो सकती है। ठीक, तो ये थे। अच्छा, अगर आपके इसके साइड इफ़ेक्ट देखना चाहते हैं, तो इसमें आपकी आँखों की रोशनी कम हो सकती है, स्लाइवेशन मतलब मुंह में लार आने की ज़्यादा आ जाने लगती हैं, मसल स्टफनेस हो जाती है, नौसिया होने लगती है, वोमिटिंग होने लगती है, पेट में दर्द, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, ये सब होता है। ठीक है।